नमस्कार, मैं हूं सुधाकर भट्ट और आप देख रहे हैं बारह मास। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टिहरी जिले के ढूंग गांव का 1000 साल पुराना इतिहास, जिसकी बदौलत ढूंगमंदार क्षेत्र के 12 गांव स्थापित हुए। ढूंग गांव कब, कैसे व किसके द्वारा बसाया गया, 12 गांव को स्थापित करने में ढूंग रौतों की क्या भूमिका रही व भूखंडेश्वर महादेव, क्षेत्रपाल देवता व चंद्रेश्वर महादेव कैसे व कब स्थापित हुए। सन 887 ईस्वी की बात है, जब यहाँ बावनगढ़ हुआ करते थे। तब चांदपुरगढ़ में, जो अब पहली चांदपुर परगना और जनपद चमोली में है, सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप राज करते थे। उनकी दो पुत्रियाँ थीं। बड़ी पुत्री के विवाह के पश्चात राजा अपनी छोटी पुत्री के विवाह हेतु योग्यवर की तलाश में चिंतित थे। वह भगवान बद्रीनाथ के अनन्य भक्त थे। एक रात उनके स्वप्न में भगवान बद्री ने दर्शन देते हुए कहा कि धार नरेश वाक्पति के छोटे भाई कनकपाल मेरी यात्रा के लिए आया हुआ है। वह इस वक्त हरिद्वार पहुंच चुका है। उसे मेरे दर्शन करवाने के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दो, उसी के द्वारा तुम्हारा राजवंश चलेगा। राजा भानु प्रताप ने ऐसा ही किया और अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया। आगे चलकर जब राजा बूढ़े हो गए तो लगभग 888 ईस्वी में उन्होंने कनकपाल को राज्य सौंप दिया और स्वयं अपनी धर्मपत्नी के साथ बद्री वन की ओर चले गए। भानु प्रताप के राज्य छोड़ते ही उनके करीबी माने जाने वाले थोकदार रावतों व कंडारी जाति के कुछ लोगों ने भी राज्य त्याग दिया। रावत चांदपुर से काफ़ी दूर एक पहाड़ी नुमा धुमका नामक स्थान पर जा बसे। वह कंडारी जाति उसी के समीप नदी के किनारे बस गए। माना जाता है कि उस वक्त वहां आसपास के क्षेत्र में मूलतः खरोला, राणा व अनुसूचित जाति के कुछ लोग भी रहा करते थे। बेहद कठिनाइयों भरे रास्ते पार कर हम अभी उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर चांदपुरीगढ़ से आकर रावत जाति का व्यक्ति बसा था। इस स्थान को पहले धुमकू नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चलकर ये ढूंग जाति नाम से जाना जाने लगा और यहीं से ढूंग गांव की नींव भी पड़ी थी। आगे चलकर रावत जाति के लोगों द्वारा अपनी ब्रह्मवृत्ति के कार्य हेतु डांग खसेटी गांव से डंगवाल जाति के लोगों को चौरी नामक स्थान पर बसाया गया। हालांकि वर्तमान में डंगवाल जाति के अधिकतम लोग थरकोटी गांव में भी रहते हैं। माना जाता है कि एक समय थोकदार रावत का कोई मुकदमा चल रहा था, जिस कारण उसे मुकदमे की तारीख पर गढ़वाल की तत्कालीन राजधानी जाना पड़ता था। इसी सिलसिले में एक बार दुगड्डा डांग चौरा के समीप पड़ाव पर उन्हें एक पंडित मिले। कहा जाता है कि वह हस्तरेखा शास्त्र विद्या के विद्वान थे। पंडित ने रावत को चिंतित देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा। रावत उन्हें अपनी पूरी समस्या बताते हैं तो पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह आज केस जीत जाएंगे। इस पर रावत ने कहा कि यदि आपकी वाणी सत्य साबित होती है तो मैं अपने क्षेत्र में आपको जगह दूंगा। पंडित जी का कहा सच हो गया तो रावत जी केस जीत गए और रावत जी द्वारा विद्वान पंडित को विशेष आग्रह पर ढूंग लाया गया व ढूंग के ठीक सामने उन्हें स्थान दे दिया गया जो आज यहाँ मौजूद है। आगे चलकर इस गांव का नाम बड़ोन गांव हुआ। कहा जाता है कि रावतों द्वारा प्रथम बड़ोनी व्यक्ति को पालंकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ भव्य स्वागत कर लाया गया था। मुल्टी गांव पौड़ी से ममगाई जाति के लोगों को भी रावतों द्वारा ही बसाया गया। ढूंग गांव के मध्य ममगाई लोगों के मकान के कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं। बाद में ममगाई जाति के लोग ऊपर जंगल की ओर बस गए और उस गांव का नाम मोल्ठा हुआ। राणा जाति के लोग भी पहले ढूंग गांव के मध्य में ही रहते थे, लेकिन रावतों व राणाओं के बीच हुए विवाद के चलते राणा जाति के लोग गांव छोड़कर ऊपर पहाड़ी पर बस गए, जिसका नाम स्यूरी हुआ। उसके बाद ढूंग गांव व उसके आसपास विभिन्न जातियों के लोग आकर बसे और बसाए गए व धीरे धीरे यहाँ आसपास के क्षेत्र में सैंज, पुजार गांव, स्यूरी, सेमा, मोल्ठा, चुरेंडा, सुनैडी गढ़, देवली, बड़वाली और बडोन गांव समेत 12 गांव बन गए।
उस दौर में थोकदार अपनी शासन व्यवस्था स्वयं बनाते थे व आसपास के क्षेत्र में लोगों से कर वसूली करके कुछ हिस्सा राजा को व कुछ हिस्सा अपने लिए रखते थे। इन 12 गांवों से कर वसूली की जिम्मेदारी ढुंग रावतों पर ही थी। यह सभी गांवों से कर वसूली करके उसका तय हिस्सा राजा तक पहुंचाया करते थे। 18वीं सदी के प्रारंभ में हुए गोरखा आक्रमण के दौरान गोरखाओं ने धुमकू थाती पर भी हमला किया। उस समय रावत थाती छोड़कर उत्तर पूर्व में सामने की पहाड़ी के मध्य में जा बसे, जहां आज ढुंग गांव स्थित है। उसके सामने कुछ दूर तक समतल भूमि है, जिसके बीच में पत्थर की एक बड़ी शिला है। स्थानीय भाषा में शिला या पत्थर को ढुंगू कहा जाता है, तो इस वजह से अब गांव का नाम ढुंग हो गया। वक्त के साथ साथ यह गांव 5-6 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुका है और 1500 से अधिक की जनसंख्या वाला गांव बन चुका है। आज़ादी के बाद जब न्याय पंचायतों का गठन हुआ, तो उस वक्त ढुंगमंदार क्षेत्र के 27 गांवों की न्याय पंचायत ढुंग बड़वाली बनी। यहां के पहले निर्वाचित प्रधान श्री बच्चन सिंह रावत जी बने। आगे सरकार द्वारा भूमि परिसीमन हुआ तो चौंदाणा गांव से लेकर खबोगी तक ढुंग रावतों के नाम जमीन हुई। यह पूरा क्षेत्र ढुंग खबोगी के नाम से दर्ज है। पहले प्राथमिक शिक्षा हेतु ग्रामवासी देवताधार जाया करते थे, लेकिन सन 1997 में यहाँ पहले प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई। कुछ वर्षों के पश्चात यहाँ जूनियर हाई स्कूल बना व वर्ष 2015 में उच्चीकरण के बाद राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया। धीरे धीरे सड़क मार्ग का निर्माण हुआ, जो आगे मंदार तक गया और आज ढुंग प्रवेश द्वार से शुरू होकर नागराजा मंदिर तक तेजी से उभरता बाजार बन रहा है। यहाँ भी बाकी जगहों की अपेक्षा कम ही पलायन हुआ है। कृषि के क्षेत्र में यहाँ अधिक प्रयोग तो नहीं हुए, किंतु रबी व खरीफ की फसलों में गेहूं, अनाज, दालें, मक्की, मंडवे, झंगोरे, सरसों आदि की फसलें व आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर आदि सब्जियों की पैदावार होती रहती है। कृषि हेतु यहाँ की ज़मीनें काफ़ी उपजाऊ है, जिस पर यदि व्यावसायिक दृष्टि से भी पैदावार की जाए तो भविष्य में संभावनाओं के नए आयामों को ढूंढा जा सकता है। गांव से संभवतः 2.5 किलोमीटर नीचे नदी से सटे जंगल में ढुंग ग्रामवासियों की छानियां और कुछ खेत भी हैं। उस जगह को सिलियार कहा जाता है। यह रास्ता क्षेत्रपाल देवता के मंदिर से होकर जाता है। हम इस वक्त ढुंग गांव की पश्चिम दिशा में स्थित भूखंडेश्वर महादेव मंदिर में उपस्थित हैं। यह मंदिर यही ढुंग गांव का ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है व इस मंदिर को लेकर एक किंवदंती बेहद प्रचलित है। माना जाता है कि मोल्ठा गांव से किसी व्यक्ति की गाय घर में दूध नहीं देती थी, तो उसे संदेह हुआ कि कोई है जो इस गाय का दूध निकाल देता है। इसी संदेह के चलते उसने एक दिन गाय का पीछा किया तो देखा कि गाय इसी स्थान पर आकर एक विशालकाय वृक्ष के नीचे स्वयं दूध निकाल रही है। यह देख उसे भारी क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने उस वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ी से घातक प्रहार किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां शिवलिंग मौजूद है। कहा जाता है कि वह प्रहार इतना प्रबल था कि शिवलिंग के दो हिस्से हो गए। शिवलिंग का ऊपरी चंद्रभाग दूर एक स्थान पर जा गिरा, जहाँ पर चंद्रेश्वर महादेव अवतरित हुए। आगे चलकर उस स्थान का नाम चंद्रेश्वर सैन हुआ, जहाँ आज भी शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवलिंग का दूसरा भाग यहीं पर रहा और इसी कारण यहाँ भूखंडेश्वर महादेव अवतरित हुए। वह विशालकाय वृक्ष, जिसकी शाखाएं पुजार गांव के समीप तक जाती थी, आगे कई वर्षों तक मौजूद रहा और फिर जड़ समेत समाप्त हो गया। जब शिवलिंग प्रकट होने की जानकारी मिली तो ठीक इसी स्थान पर 12 गांवों ने संयुक्त रूप से भगवान शिव की उपासना करना शुरू किया और जल्द ही यहां भूखंडेश्वर महादेव का मंडला भी बना दिया गया।
और साथ में क्षेत्रपाल देवता को भी यहाँ पर लाया गया। क्षेत्रपाल देवता एक तरह से 12 गांवों के संयुक्त ग्राम देवता है। थोकदार रावतों द्वारा मंदिर में पूजा हेतु क्षेत्रपाल देवता के उपासक पुजारियों को यहाँ मंदिर के समीप बसाया गया, जो कि बाद में पुजार गांव बना। संभवतः 16वीं शताब्दी में यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ था। जब आप कभी यहाँ स्थित शिवलिंग पर गौर करेंगे तो आज भी चंद्रेश्वर महादेव व भूखंडेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग कटे हुए भागों में हैं, जो कहीं ना कहीं इस प्रचलित कथा का प्रमाण भी है। कहा जाता है कि बहुत पहले तक यहाँ मंदिर परिसर के आसपास नागों के बिल हुआ करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन होते हैं। जब वास्तु पूजा की जाती है तो उसके अंतर्गत क्षेत्रपाल की पूजा भी होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको क्षेत्रपाल के मंदिर मिल जाएंगे। खासकर राजस्थान और उत्तराखंड में क्षेत्रपाल के कई मंदिर मिलेंगे। क्षेत्रपाल क्षेत्र विशेष के एक देवता होते हैं, जिनके अधीन उस क्षेत्र की आत्माएं रहती हैं। बहुत से लोग क्षेत्रपाल को काल भैरव का रूप भी मानते हैं। लोक जीवन में भगवान काल भैरव को क्षेत्रपाल बाबा, खेतल, खंडोवा, भैरव महाराज, भैरव बाबा आदि नामों से जाना जाता है। क्षेत्रपाल को खेतपाल भी कहा जाता है। खेतपाल जो कि खेत का स्वामी है, इसीलिए आम भाषा में हम इन दोनों नामों को जोड़कर क्षेत्रपाल देवता का मंदिर कहते हैं। यह स्थान इसी नाम से जाना जाता है, जो समस्त पट्टी ही नहीं दूरस्थ क्षेत्रों की आस्था का भी प्रसिद्ध व पुरातन केंद्र है।